गन्ने से भरी ट्राली पलटी, ट्रैक्टर का इंजन पुलिया से नीचे जा गिरा। खेतिया सेंधवा मार्ग पर ग्राम निसरपुर की पुलिया पर 8 बजे के लगभग गन्ने से भरी ट्राली पलट गई, जिसमें गोपाल पिता दूंधा पवार उम्र 40 वर्ष निवासी निसरपुर ट्रैक्टर के नीचे दब गया, जिसे ग्रामीणों ने बड़ी सूझबूझ से निकालकर सरकारी अस्पताल खेतिया लाए, जहां पर उपस्थित चिकित्सकों ने प्राथमिक उपचार कर रेफर कर दिया। वहीं ट्रैक्टर का ड्राइवर मौके से फरार हो गया। खेतिया पान सेमल मार्ग पर गन्ने की ट्राली की दुर्घटना लगातार हो रही है। आज भी दुर्घटना इतनी भीषण है कि जहां ट्राली पुलिया के बीच पलट गई, ट्रैक्टर दो हिस्सों में बढ़ गया, जिससे ट्रैक्टर का इंजन पुलिया से नीचे जा गिरा। ग्रामीणों ने क्रेन की मदद से गोपाल को निकाला और सरकारी अस्पताल लेकर आए। इस दौरान पुलिया के दोनों ओर लंबी लंबी दूर तक जाम लग गया। पिछले दिनों हुई दुर्घटना में एक व्यक्ति की मौत हुई थी। गन्ने का ओवरलोड परिवहन करने से दुर्घटनाएं रोजाना हो रही। प्रशासन को इस गन्ने के ओवरलोड परिवहन पर जल्द से जल्द अंकुश लगाना चाहिए, नहीं तो किसी दिन इससे बड़ा हादसा देखने को मिल सकता है। इस दुर्घटना का मुख्य कारण मेंद्राना स्थित लक्ष्मी शुगर मिल में गन्ने का ओवरलोड परिवहन है, जिस पर अंकुश लगाकर कार्रवाई होना चाहिए। खेतिया से विशाल भावसार की खास रिपोर्ट।